और ये बस थीम का है, और इधर बहुत सारे झूले भी हैं। एक रेस्टोरेंट है जिसमें हम खाना खाने आए हैं, इसका नाम है द कानपुर एक्सप्रेस, ये नया नया खुला है, और एक बस थीम रेस्टोरेंट है। देखिए बाहर से कितना सुंदर है, यहाँ पे आके सबसे ज़्यादा मस्त है किट्टो और किया, क्योंकि किट्टो के लिए यहाँ पे झूला भी है, बाइक है, कार है, स्लाइड्स हैं। हाँ झूलो झूलो, शर्मा क्यों रही है, जा एक बार चली जा। हाँ बैठ जा, क्या हो आगे पकड़ लेना। चलो अब चलते अंदर खाने। अब यह रेस्टोरेंट की पार्किंग, ये कानपुर इलाहाबाद हाईवे पे रूमा के पास है, बिल्कुल हाईवे पे बना हुआ है, और इसकी एंट्री। फ्लोर पे चलने के चलते ऊपर बारिश हुई है इसलिए थोड़ा गीला है, लोग बैठ नहीं रहे यहाँ पे इसलिए। और ये देखिए ओपन है, बस की छत पे बनाया गया है ये, कितनी अच्छी डेकोरेशन है, देखिए काफी सुंदर है। बारिश हो रही है क्या? ये डेकोरेशन दीवार बना रखा है। ये देखिए रेस्टोरेंट अब आपको दिखाते हैं ऊपर से, टॉप व्यू वो एंट्रेंस है जहाँ से अंदर आएंगे। यहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी झूले भी हैं, छोटा सा पॉन्ड सा बना रखा है, आप चाहे तो वहाँ भी बैठ के खा सकते हैं। और ये हम अभी हैं बस के ऊपर, तो चलिए हम देखते हैं इनका मेन्यू में क्या है और ऑर्डर करते हैं मेन्यू अपना डिनर। देखिए ये इनका मेन्यू, ये इन्होंने बिल्कुल बस की शेप में बनाया हुआ है, ऐसे इनका मेन्यू है ऐसे। ये जैसे अलग अलग मॉकटेल वगैरह हैं, काफ़ी बड़ा मेन्यू है। इसमें एक कमी है इस मेन्यू में, इसको अगर ऐसे खोलेंगे तो फिर आपको उस साइड का पढ़ने के लिए इसको घुमाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह ऐसे लिखा है, इधर ऐसे लिखा है, तो आपको ये पढ़ना है तो फिर आपको ऐसे घुमाना है। चलिए हम देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं। और किट्टो ये पानी किट्टो उड़ जाएगा, किट्टो को पड़ गई डांट, तो किट्टो बार बार गिलास मांग रही है। और मम्मी को देखो चेहरा, देखो मम्मी गुस्से वाला गिलास। तो फ्रेंड्स ये है एंट्रेंस, और यहाँ किट्टो झूले झूल रही है, पापा इधर है।
और तो विधानश्रे रेस्टोरेंट का टूर का होगा, इसमें यहाँ पे भी सीटिंग अरेंजमेंट है। स्टार्टिंग में ही जो इनका बीवरेज का काउंटर है उसके यहाँ पे एक डबल फ्लोर सीटिंग अरेंजमेंट है, जिसमें अंदर सोफ़ा वगैरह लगा है, चेयर लगी हैं, आप वहाँ पे जाके बैठ सकते हैं। तो हमने आज मेन्यू में ऑर्डर किया है अल्फ्रेडो रेड सॉस पास्ता, पनीर मेथी मलाई, दो कुलचे स्टफ्ड कुलचे आलू वाले, और दो लच्छा पराठा। तो देखने हैं जब जब आएगा आपको दिखाएंगे, और साथ में विदांशी के लिए किटकैट मिल्क शेक, किटकैट शेक मंगाया था वो आ गया। ये है विदांशी किटकैट शेक। विदांशी कैसा टेस्ट करके बता। विदांशी पहले उसकी मम्मी खा जाती है। कैसा है? कॉफ़ी टेस्ट आ रहा होगा ना, क्या था विदान जी बताइए। किटकैट जैसा ये हुआ, कॉफ़ी जैसा? कॉफ़ी जैसा। आ गया हमारा रेड सॉस पास्ता, अल्फ्रेडो रेड सॉस पास्ता। इसको तो किट्टो भी खा रही है। कैसा है? यम 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 यम। हमारे मेन्यू का अलग आइटम आ गया नेक्स्ट, मलाई मेथी पनीर। ये है हमारा लच्छा पराठा, और ये स्टफ नान। अभी खाया तो मलाई मेथी पनीर अच्छा है, थोड़ा स्वीट ही है। जितना रेट है उसके मुकाबले पोर्शन क्वांटिटी थोड़ी कम है। स्टफ कुलचा काफ़ी अच्छा है, मैदा कम है, गेहूँ ज़्यादा है। साथ में मिला एक प्लेट प्याज और लेमन का स्लाइस। वेदू कैसा है? और ये किट्टू मोबाइल देख के खाना खाती हुई। यहाँ पे काफ़ी भीड़ बढ़ रही है 9 बजे के बाद। हम आए थे 8 बजे, तब सही था, अब काफ़ी भीड़ बढ़ गई है, लोगों को वेट करना पड़ रहा है। नए नए रेस्टोरेंट खुला है इस टीम में, काफ़ी भीड़ आ रही है। ऊपर से सैटरडे भी है, तो चलो हम डिनर करते हैं अपना ख़त्म। और हमने खाना खा लिया, ये हमारे खाने का मचा है वहाँ तक। आने वाला हमारा बिल, क्या हम चलते हैं घर को। यहाँ पे लाइव म्यूजिक चलता है, देखिए गाना गाते हैं, और ये विधान जी झूला झूलती भी। चलो अब चलते हैं विधान के, तो झूला झूलेगी फिर अब घर को चलते हैं ना। चलो काफ़ी अच्छा है इधर का। हाँ, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय।